everybody, welcome back. ये है गोवा निकोफिक CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. ये मैच आप देख रहे हैं दुबई से एकदम लाइव. दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में शॉपिंग करने के बाद खिलाड़ियों को मौका मिला कि चलो मैदान पर कुछ कर दिखाएं. एंड और किसी को तो कुछ मिला नहीं, लेकिन बॉलर्स आज बहुत सारे विकेट छटक गए. इट्स बीन अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड फॉर देम. अपूर्वा लाखिया रे छक्का मारा था पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे. एंड एज आदर्श अगेन पूर्वा 21 रन पर खेल रहे हैं केवल 12 गेंदों में. और इंद्रनील बढ़िया साझेदारी दे रहे हैं उनको. 10 गेंदों पर 7 रन. पिछले ओवर की जो आखिरी गेंद थी, अपूर्वा लाखिया ने अपना दाहिना पैर बाहर निकाला और जिस चीज के लिए वो मशहूर हैं, लंबा छक्का. इनफैक्ट तेलुगु वॉरियर्स के खिलाफ अपूर्वा एट होम फील कर रहे होंगे, बिकॉज उनकी पिछली फिल्म जंजीर तेलुगु में भी बनी थी जिसका नाम था तूफान. एंड ऑफकोर्स रामचरण उस फिल्म के लीड थे. तो ये ठीक है भाई कि जंजीर तोड़ो और तूफानी बल्लेबाज करो. बिल्कुल. आदर्श वेरी कॉम्पिटेंट क्रिकेटर, क्या कुछ नहीं कर सकते मैदान पे. अच्छे बल्लेबाज हैं और गेंदबाज तो अच्छे हैं जैसे हम देख रहे हैं. अब तक उन्होंने सिर्फ एक ओवर किया जिसमें शायद 5 रन दिए थे. प्लीज डू फॉलो अस ऑन ट्विटर CCL4. बल्ले पर अच्छी तरह से आई नहीं इंद्रनील के, लेकिन बस एक रन भी काफी क्योंकि जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से बड़ा साफ है कि जितना स्ट्राइक अपूर्वा लाखिया को दे सकें उतना ही फायदा मुंबई हीरोज के लिए, क्योंकि सिर्फ 4.5 ओवर बाकी हैं. तो अगर आप 27 गेंदें गिने उनमें अगर अपूर्वा लाखिया ज्यादा बल्लेबाजी करें मंत्र, तो कम से कम 30 रन बनने की गुंजाइश तो है ही. 13 गेंदों पर 22 रन, 2 चौके 1 छक्के की मदद से. व्हाट अ वंडरफुल इनिंग्स अपूर्वा. ओह व्हाट अ शॉट एंड इट्स गॉन ऑल द वे. लंबा छक्का. वाह अपूर्वा. स्लॉग स्वीप अपूर्वा, जो कि शायद इस वक्त थोड़ा ज्यादा ही जोखिम भरा शॉट है, लेकिन ही पुल्ड इट ऑफ. डोंट थिंक ही कॉट इट टू वेल. थोड़ा सा बल्ले के नीचे से लगी, लेकिन फिर भी शक्ति इतनी थी कि उसको एडले के ऊपर से 6 रन के लिए गई. बहुत नजदीकी मामला था. अगर वो 6 फुटा फील्डर होता तो शायद पकड़ भी लेता. क्रिस गेल, अच्छा है कि वो तेलुगु वॉरियर्स की टीम में नहीं है, वरना ये डेफिनेटली कैच हो सकता था. अपूर्वा डजंट हैव अ चॉइस, ही हैज टू गो ऑल द वे. But he has to choose the balls with care on which he hits the big shots. Oh, slow delivery. अच्छी तरीके से परखा अपूर्वा ने. अपूर्वा बोल रहे होंगे, अरे मैंने बहुत ऐसे शॉट्स देखे हैं, मैं कैमरे के पीछे एकदम हर चीज पैनी नजर से देखता हूं. And he's taking a rest. आखिरी गेंद इस ओवर की अभी फेंकी जानी बाकी है. इंद्रनील ऑन स्ट्राइक. तभी आपने देखा था कि मुंबई हीरोज के लिए 100 पार करना इतना नामुमकिन नहीं है. And well played. 2 रन हो सकते हैं बड़े आसानी से. आदर्श के दूसरे ओवर की समाप्ति. 16 गए और मुंबई हीरोज 8 पर 81. Hello everybody, welcome back. आप देख रहे हैं गोवा निकोफिक CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. दुबई के इस बड़े ही खूबसूरत मैदान से हम आपके साथ हैं इस वक्त लाइव. तेलुगु वॉरियर्स वर्सेस मुंबई हीरोज मैच चल रहा है, जहां पर बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग बल्लेबाजी का प्रदर्शन मुंबई हीरोज की तरफ से. तेलुगु वॉरियर्स ने पिछला मैच केरला स्ट्राइकर्स के खिलाफ आखिरी गेंद पर गंवा दिया था. एंड आई एम श्योर दैट मस्ट बी प्लेइंग ऑन देयर माइंड. और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है
सचिन जोशी जो कि आपको तेलुगु वॉरियर्स की टीम का हिस्सा है, उन्होंने पिछले मैच के एंड में ही कहा था कि कुछ भी हो जाए मुंबई हीरोज को वो हरा कर ही रहेंगे, एंड आई थिंक इज अबाउट टू बी प्रूवन राइट। अच्छा अब समझ में आया, खुंदक की बात है। पार्ले जी एंड से विश्वा गेंदबाजी करेंगे और इस समय तेलुगु वॉरियर्स की टीम थोड़ी सी सहमी हुई, वो जानते हैं कि अगर पूर्वा लाकिया इसी रुख में बढ़ते चले गए तो ये जो आखिरी चार ओवर बचे हैं उसमें कम से कम 30 रन के आसपास 30-40 बन सकते हैं और उसकी वजह से मुंबई हीरोज 115-120 भी पहुंच सकते हैं, यानी कि गुंजाइश है मंत्र, और अगर वहाँ पहुँच गए 115-120 तो दे'ल मेक अ मैच ऑफ इट। एब्सोल्युटली, छोटा स्कोर जब भी होता है तब ऑपोजिशन पर ज्यादा प्रेशर होता है, बट ऑफ कोर्स अपूर्वा लाखिया द मैन ऑफ द मोमेंट, शूट आउट एट लोखंडवाला, सो मच मोर, 10 कहानियां, हियर इट इज, और रन आउट हो सकता लेकिन सचिन जोशी के हाथों से गेंद फिसली। This is good news and bad news. Good news, तो ये ठीक है, चलो एक रन मिल गया क्योंकि सचिन ने फील्डिंग नहीं की, लेकिन मंत्रा इस आल्सो बैड न्यूज क्योंकि इज ऑफ स्ट्राइक। अब इंद्रनील को ये सोचना बहुत जरूरी है कि मैं लंबे शॉट न मारूं, अगर सिर्फ कहीं ना कहीं बल्ला बॉल पे लगाओ और सिंगल लो बस। So true sir, he is not only a sensible actor but I'm sure he'll prove to be a sensible cricketer too. क्योंकि स्पिनर है विश्वा मैदान पे इस समय बॉलिंग करते हुए, तो अगर अपूर्वा लाखिया के लिए स्टॉप में आती है तो बहुत लंबे लंबे छक्के मारेगा। इंद्रनील ध्यान से भाई, ध्यान से, एक रन सिर्फ, बैट टू बॉल, क्योंकि जो इनफील्ड है जो 30 गज के दायरे के अंदर फील्डर्स हैं चारों वो लगभग 30 गज के लाइन पर हैं, कहीं भी छू के टिप एंड रन। बॉलिंग कोशिश लेकिन शायद लंबा शॉट खेलने की कसक अब उनके अंदर है, बट ही हैज टू कंट्रोल हिमसेल्फ। वेल बोल्ड, ये जो हल्की सी वाइड गेंद होती है, मतलब वाइड के लाइन के अंदर लेकिन फुल डिलीवरी, उस पर शॉट मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है मंत्र, और यहां इंद्रनील ने शायद ठीक किया कि ज्यादा कोशिश नहीं की। और तीसरे अंपायर को इस मैच में इन्वॉल्व किया गया इस वक्त, डिसीजन पेंडिंग, देखा जाएगा कि क्या इंद्रनील डिसअपॉइंट होकर वापस जाएंगे, क्योंकि ये तो उनकी कहानी यहां पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, नो बॉल तो नहीं है लेकिन हमको भी साइड व्यू देखना पड़ेगा, यहाँ से मालूम नहीं पड़ेगा कि उनका पैर नहीं, इस एंगल से तो लगता है कि उनके जूते का कुछ भाग लाइन पर या लाइन के पीछे था, ये है सही एंगल, बाहर तो जरूर निकला लेकिन That's close, Charu sir. What would you have done अगर आप थर्ड एम्पायर होते तो? यार बेनिफिट ऑफ डाउट टू द बैट्समैन, क्योंकि मुझे लगता है कि एक दो मिली सेंटीमीटर शायद उनका जूता वापस लाइन के पार था, अभी तो बाहर है और ये लाइन को छुआ लाइन के पार और तब स्टंपिंग, तो मुझे लगता है कि ये बल्लेबाज बच जाएगा, इंद्रनील नाम ही ऐसा भाई, इंद्रनील बच जाएगा, बचना चाहिए भी सही मुंबई हीरोज के लिए वरना कुछ नहीं बचेगा, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई अपूर्वा बड़े शॉट्स खेल रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम है उनके साथ ज्यादा बल्लेबाज नहीं है। लेकिन मुझे निराशा इसी बात पे है कि ये बढ़िया एंगल है, देखिए जूता लाइन के पीछे है और तब स्टंपिंग हुई, तो बच जाएंगे इंद्रनील, लेकिन ये शॉट क्यों खेला भाई, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक रन के लिए टिप रन करो, आदित्य है ना अपना वो अपूर्वा लाकिया, आंखें गेंद से दूर, यमराज नॉट आउट का इशारा करते हुए, तो अभी नॉट आउट, बिल्कुल सही भाई, गोवा निको फिक्स का इस्तेमाल करिए और उसके बाद ऑफ कोर्स यू विल फील द चेंज, एंड स्पीकिंग ऑफ दैट बस कुछ ही गेंदे बाकी, हालांकि ये पार्टनरशिप अच्छी चल रही है, पूर्वा ने इसके इस गेम में इस पार्टनरशिप में ज्यादा रन बनाए, 28 रन की पार्टनरशिप 24 गेंदों में,
किसी को इस दौरान मैदान में जाना चाहिए था और इंद्रनील को बोलना चाहिए था कि आप लंबे शॉट ना मारें। That's the way to do it. भाई कितना सिंपल खेल है मंत्रा, जब अगर दिमाग से खेले, बल्ले से नहीं दिमाग से। स्पेशली सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि दिमाग से ही खेलना पड़ेगा, जोश से नहीं होश से काम लें। क्योंकि देखिए इस विश्वा के ओवर में अब तक सिर्फ दो रन बना पाए मुंबई हीरोज, और अगर अपूर्वा लाखे के पास स्ट्राइक होती तो कम से कम ये 10-12 बन सकते थे, ये नहीं कि बन ही जाएंगे लेकिन बन सकते थे। तो ये चूक गए मुंबई हीरोज अपने एक स्ट्रेटजी में। तो एक तरीके से सचिन जोशी ने जो मिस फील्ड करी वो हो सकता है उन्होंने दिमाग से की। क्यों नहीं, बेशक। रन के लिए कोशिश, लेकिन और इसलिए नहीं लिया दूसरा रन क्योंकि अपूर्वा लाखिया विल रिटेन द स्ट्राइक एंड ऑफ द ओवर। विश्वा गिविंग ओनली 3 रन्स अवे और मुंबई हीरोज 17 ओवर के बाद 8 विकेट पर 84। Everybody, welcome back. Yeah, go on Nico Fix CCL powered by Parlay 2020 cookies and Panasonic. Hi, yes, Surat. Dubai ki is khoobsurat wadiyon ke beech mein. And of course, Adarsh is back. But the good part about this is ki Apurva ballebazi kar rahe hain. There's just enough time to remind everybody that hamare jo exclusive radio partner hai, India's number one radio station, 92.7 Big FM. Suno sunao live for now. Regional languages mein bhi aap sun sakte hain Big FM. Others trying to play the hero here, but he'll have to be careful क्योंकि जितनी तेजी से वो गेंदबाजी करेंगे उतनी तेजी से या उससे भी ज्यादा तेजी से गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकल सकती है अगर लेंथ बॉल की। Apurva will certainly pick it up. So Adarsh already changing, trying to be smart, bowling round the wicket ताकि थोड़ा सा क्रैम्प करें Apurva को। नहीं लगा पाए, सिर्फ एक सिंगल। And down on the ground, of course, Mumbai Heroes will be very disappointed. But Bobby Deol, क्या बोलते हैं भाई? So इस समय हमारे साथ मौजूद है मुंबई हीरोज के बॉबी देओल। बॉबी पाजी, आज आपने बताया कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो क्या लगता है आपको कि जो जल्दी वापस आने का कहीं ना कहीं कारण वो तो नहीं है? नहीं, एक्चुअली नहीं, जल्दी आने का ये कारण है कि मैं बेसिकली बॉलर हूँ और हमारे जो रूल्स हैं उस हिसाब से 6 ओवर में कोई कैटेगरी के जो एक्टर्स हैं उनको आना पड़ता है और हमारे विकेट्स बहुत जल्दी गिर गए तो मेरे को जाना पड़ा। पर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं टिका रहूं थोड़ी देर, क्योंकि क्या होता है अगर जल्दी आउट हो जाता है तो फिर पूरा मोराल गिरने लगता है। तो आई स्टेड ऑन और फिर मैंने कहा अभी तो अच्छे प्लेयर बचे हैं तो मार के देखता हूँ, लग गया तो लग गया, नहीं तो वो तो आए कम से कम कुछ करने। तो अभी तक जो हालात हैं ये है कि 17 ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं और 8 प्लेयर्स जो है मुंबई हीरोज़ के वो जा चुके हैं और 86 स्कोर्स जो हैं वो बने। क्या लगता है आपको कहाँ तक जाएंगी मुंबई हीरोज़? जिस हिसाब से खेल रहे हैं अभी तो लग रहा है कि शायद 120 अगर कर जाए, 125 तो अच्छा रहेगा, पर देखते हैं। 3 ओवर हैं, वी कैन आई थिंक। तो आपको लगता है कि अगर 120 हो जाता है तो कंपटीशन जो है वो टफ हो सकता है? फाइटिंग फाइटिंग, देन हम बॉलर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छा बॉबी पाजी, एक बात बताइए, आप और सनी पाजी पापा से हमेशा डरते रहे हैं, तो कभी स्कूल में गए मार्क्स कम आए तो पापा डांटते थे, ऐसा भी कभी होता है कि बॉबी मैच में तू जल्दी आउट हो के आ गया, ऐसे डांट पड़ने के चांसेस है? क्या है ना, सबको आदत है कि बोलते कि छक्का मार के आना, तो हर 2 साल पहले तो बोलते छक्का मार के आना, मैंने पापा मैं बॉलिंग करता हूँ, तो इस बार आया आ रहा था तो बोलते 6 विकेट लेकर आना। पापा ने तो बोल दिया, टेंशन यहाँ पर बढ़ जाती है जब स्टेडियम में। खैर देखते हैं अभी मुंबई हीरोज के जो हैं वो एक प्लेयर अभी और बचे हैं, बिकॉज 8 प्लेयर जो आउट हो चुके हैं, 9वें 10वें नंबर वाले खिलाड़ी, और ये ओवर टू चारू जी। थैंक यू सो मच शर्मा जी, यहाँ पर भी शर्मा जी, नीचे भी शर्मा जी। ऑफ कोर्स व्हाट अ वंडरफुल शॉट बाय Apurva। Apurva लाखिया स्ट्रेट एज अ ट्रेसर बुलेट, एकदम सीधी लाइन पकड़कर गेंद बाउंड्री पार चली गई। आदर्श को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। इफ इट्स इन द स्लॉट Apurva विल गो फॉर इट।
सर आपको मालूम है आदर्श ने एक फिल्म करी थी 2011 में जिसका नाम था क्रिकेट गर्ल्स एंड बियर. व्हाट अ कॉम्बिनेशन सर. यार नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन आई मस्ट से कि मैं कहां था उस वक्त. क्रिकेट गर्ल्स एंड बियर वो तेलुगु फिल्म आई जस्ट रेड अबाउट इट. 2011 वाज द रिलीज. ऑल राइट बॉबी देओल कह रहे हैं कि धर्मबाजी उनको बोलते हैं बेटा अगर गेंदबाज है तो 6 विकेट लेकर आना, बल्लेबाज है तो छक्का मार के आना. बड़ा प्रेशर है भाई पापा जी से. But you know, last ball, Indraneel doing exactly the right thing. हालांकि सिर्फ एक गेंद बाकी है, लेकिन बस इतना ही करना है. माफी चाहता हूँ, आखिरी गेंद थी उस ओवर की. 18 समाप्त और मुंबई हीरोज 8 विकेट पर 92. Couple of big overs for the Mumbai Heroes later on. 10, 12, 11 and 12. 15th and 16th overs. But uske alawa bahut kam aur khas taur se shuruaat dekhiye pehle 6 over mein to bilkul jaise ki koi tragedy ko film kiya ja raha ho Mumbai Heroes ki taraf se. Vishwa dusra over. Going down leg lekin पैड से टकराती हुई इंद्रनील. देखिए आई डोंट वांट टू बी हार्श मंत्र बट वंस अगेन व्हाट इज द नीड फॉर दैट बिग शॉट. यार ये देखो फिर प्रैक्टिस कर रहा है इंद्रनील बिग शॉट. आराम से भी छुओ और भागो. वहां अपूर्वा लाखिया रुका तो है ना लंबे लंबे मारने के लिए. एंड आई थिंक अपूर्वा को मौका मिल जाए, बस आखिरी कुछ गेंदें बची हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्यू बिग वंस. स्ट्रेट टू द फील्डर लेकिन Fortunately for Mumbai Heroes, single लिया गया. Apurva on strike. Well done, well done. और ये बॉल गई थी सचिन जोशी की तरफ जिन्होंने पहले बहुत ही बढ़िया कैच लिया था. इस बार गेंद थोड़ा सा उनके आगे जरूर गिरी और इतना आसान नहीं था कि आगे डाइव करके कैच करें, लेकिन मौका था. खैर छोड़िए, मौका गया और अब अपूर्वा लाखिया के पास 4 गेंदें हैं कुछ 2-4 लंबे शॉट लगाने की. लॉट ऑफ टेंशन इन द फील्ड राइट नाउ फॉर तेलुगु वॉरियर्स एज वेल. दे नो दैट दीज 4 डिलीवरीज आर की. अपूर्वा अपूर्वा एंड ही हर्ड मी राइट एंड द बॉल गॉट ऑल द वे. व्हाट अ शॉट अपूर्वा लाखिया, द मैन ऑफ द मोमेंट. ब्रिलियंट टाइमिंग बिल्कुल सही अपूर्वा की. बहुत ऊंची गई थी गेंद लेकिन लंबी भी और इस मैच का शायद सबसे बड़ा छक्का अपूर्वा लाखिया के बल्ले से. मुंबई हीरोज के समर्थक बेहद खुश और क्यों नहीं, क्योंकि बहुत कम उन्हें खुशी मिलने का मौका मिला. ये देखिए दाहिना पैर उन्होंने बाहर निकाला, जगह बनाई एंड द फुल फ्लो ऑफ द ब्लेड. ही डज हैव द स्ट्रेंथ टू गिवन द अपॉर्चुनिटी एंड ही विल क्लियर द फील्ड. मैंने कहा था ये 4 गेंदें बहुत की हैं इस मैच की. What a shot, Apurva. What a shot. In fact, film director banne se pehle wo ek assistant director the film Lagan pe. Aur Lagan mein unhone shayad Aamir ka wo aakhri gend wala chhakka yaad rakha. Another one. Halaki straight to the fielder, ek run. Is ball par lamba chhakka marna aur bhi aasan tha. Bilkul perfectly slot mein thi, lekin timing thoda sa nahi la paaye. Salman Khan is in the house. Whoa! मेरे ख्याल से इसीलिए पूरे स्टेडियम में जो है दर्शकगण अब क्रिकेट विकेट छोड़ चुके हैं. भाई मैं भी ये सोच रहा था कि वो तो सिर्फ एक रन के लिए बॉल गई, इतनी आवाज क्यों. गुड शॉट सर. लेकिन विश्वा चाहते तो एक ऐतिहासिक कैच ले सकते थे, बट अपूर्वा के बल्ले से निकली गेंद बड़ी तेजी से निकली है. सलमान खान जय हो. दुबई में बहुत मशहूर, इनफैक्ट दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर
सलमान खान के दीवाने ना हो। एंड ऑफ कोर्स दुबई के इस खूबसूरत मैदान में सलमान के दीवानों ने आकर बस एक ही चीज कहनी है कि सर मैच जीतो या हारो, बस सलमान भाई से एक बार मिलो। आखिरी गेंद इस ओवर की, एक बार फिर इंद्रनील ने एक लंबा शॉट मारने की कोशिश की, बिल्कुल चूक गए और 19वें ओवर की समाप्ति। लेकिन मुंबई हीरोज 100 के आगे पहुंच चुके हैं, 8 विकेट पर 102। Salman Khan, Salman Khan, Salman Khan, Salman Khan. That's right, when Salman Khan is on the screen, aap aur kuch nahin keh sakte. That's right, aap dekh rahe hain Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 Cookies and Panasonic. Mumbai Heroes versus Telugu Warriors. Telugu Warriors ne toss jeet kar pehle gendbazi karne ka nirnay liya. And ye nirnay kaafi had tak sahi bhi sabit hua hai. Lekin match ke antim shanon mein Apoorva Lakia has come to his own. 44 रन बना चुके हैं, 44 केवल 23 गेंदों का सामना करके आदर्श बालकृष्ण। आखिरी ओवर पार्ले 2020 कुकीज से एंड से इस मैच का भी आदर्श बालकृष्ण गेंदबाजी करेंगे और अपूर्वा इज ऑन स्ट्राइक। और देखिए इतना सब ट्रेजेडी होने के बावजूद मुंबई हीरोज 100 को पार कर चुके हैं और इस ओवर में 10-15 रन तो मिनिमम बनाने की उम्मीद होगी। Well done, well done. क्या ये गेंद बाउंड्री पार जाएगी? नहीं, 2 रन के लिए। एक बार फिर क्योंकि उनकी शायद खासतौर से चोटें हैं पैर में, उसकी वजह से कभी कभी टाइमिंग नहीं पाते हैं अपूर्वा। इस बार भी टाइमिंग थोड़ा सा दूर चले गए थे गेंद से, टाइमिंग नहीं पाई, 2 रन, लेकिन टीम के लिए इतना बुरा नहीं। तारीफ शब्बीर आलूवालिया की भी करनी होगी जो कि बेहतरीन रनिंग कर रहे हैं अपूर्वा के लिए। मैं खिड़की कूद के नीचे गिर जाऊंगा। इनटू द स्टैंड्स। एक बार फिर थोड़ी सी जगह बनाई अपूर्वा लाके ने, दाहिना पैर बाहर निकाला और लंबा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लॉन्ग ऑन बस देखता है कि अपने ऊपर की कहां जाएगी, कब गिरेगी, स्टेडियम में भी गिरेगी कि नहीं। और इसी के साथ अपूर्वा लाकिया कंप्लीट्स हिज हाफ सेंचुरी। व्हाट एन इनिंग्स, 25 गेंदों पर 52 रन। वाओ, एग्जैक्टली व्हाट मुंबई हीरोज नीडेड। आज मुंबई की टीम के लिए असली हीरो निकल गया अपूर्वा लाकिया। कांग्रेचुलेशंस, वंडरफुल 50। और इतने दबाव के बावजूद मायने रखता है कि कोई 50 रन बनाए और इतनी तेजी से लंबे छक्के मारे अपूर्वा ने। और अब भी 4 गेंद बाकी। मुंबई हीरोज के सारे हीरोज को फ्री में काम करना चाहिए अपूर्वा की अगली फिल्म में। टॉप एज, आदर्श, दैट कुड हैव बीन अ ब्रिलियंट कैच, बट नो, एवरीथिंग इज हैपनिंग। चारू, ये हो क्या रहा है भाई? ये 2 रन तो नहीं देने चाहिए थे, ठीक है, कैच मुश्किल था। और आदर्श एक बार फिर बहुत बढ़िया कोशिश की, लेकिन दूसरा रन देना तेलुगु वॉरियर्स को के लिए बिल्कुल खराब चीज थी, क्योंकि दैट ब्रिंग्स अपूर्वा बैक ऑन स्ट्राइक। और जहां आखिरी एक दो बॉल में सिर्फ 1-2 रन बनवा सकते थे इंद्रनील के थ्रू, नाउ अपूर्वा डेंजरस एज एवर इज स्टिल देयर। वाओ, वेल ट्राइड आदर्श, बट इवन बेटर अपूर्वा लाकिया, द मैन ऑफ द मोमेंट। आखिरी 3 गेंदे, हाँ जी, शायद मुझे लगता है कि 2 ही गेंदे बाकी हैं। ब्यूटीफुल अटेम्प्ट बाय आदर्श, वेल डन यार, लेकिन ठीक है, गेंद हाथ के नहीं लगी। एंड अनदर बिग सिक्स, फिर जगह बनाई और स्पॉट स्वीप देखने लायक। दिस इज व्हाट द ऑडियंस केम इन फॉर। ये जनता जो यहाँ पर आई है अपने फेवरेट स्टार्स को देखने, साथ ही साथ अच्छा क्रिकेट देखना चाहती है। शुरुआती इनिंग्स के शुरुआती पलों में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही पुअर क्रिकेट देखने को मिलेगा, बट व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स। एक और छक्का आदर्श बालकृष्ण, क्रिकेट गर्ल्स एंड बियर।
वहाँ से एक्स्ट्रॉर्डनरी शॉट, गिरते पड़ते पीछे जाते हुए फिर भी पूर्वा लाकिया की टाइमिंग शॉट पे बेहतरीन। और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चार की सिक्स अगेन अपूर्वा लाकिया, आपके चरण कहां है? आप पेविलियन वापस आइए, मैं बिछा दूंगा अपनी नजरें आपके सामने। व्हाट एन इनिंग्स, व्हाट अ प्लेजर टू सी हिम बैक। हां जी, एक बॉल अभी बाकी है, इतना जल्दी मत बुलाइए पेविलियन ने बाकी एक। वो कैन सी द एफर्ट ऑन हिज फेस, नॉट पिच कर जो उन्होंने शॉट मारना चाहा, ठीक है बल्ले के बीच से नहीं लगी, स्लो बॉल से लगा, धीमी गेंद और उसके बावजूद उसे अच्छी तरीके से जज किया। And here we go, the last ball of the innings. Well done, Apurva Lakia. Captain Venkatesh and Chamundi very disappointed, but phir bhi itna bada score nahi Mumbai Heroes ka aakhri game. Aur ek baar phir covers ke upar uthana chaha, sirf do run milenge is baar. Ye game ki aakhri game par teesra run liya chahte the. Aur le bhi rahe hain, koshish bhi kar rahe hain aur mil jayega. The Warriors ek baar phir गेंद पर तीन रन देने की आदत ही उनकी गई नहीं। खैर, ओह व्हाट एन एक्साइटिंग मैच। मुंबई हीरोज के पहले तीन चार विकेट बहुत ही जल्दी गिर गए, फिर अगले दो चार भी बिना कुछ खास रन जोड़े, लेकिन अपूर्वा लाखिया ऑन कैमरा नाउ, फैंटास्टिक नॉक टुडे, बड़ी देर तक याद रहेगा यहाँ दुबई में सब लोगों को जो स्टेडियम पर आए हैं और जो आप लोग देख रहे हैं टेलीविजन पर। और रघु और नंद किशोर की बेहतरीन गेंदबाजी भी, एक दो बहुत ही अच्छे कैच भी इस पारी में, सचिन जोशी का एक और नंद किशोर का रिटर्न कैच। मुंबई हीरोज फॉर द मोमेंट हैव इनफ टू स्माइल अबाउट, दे नो दे हैव अ कोस्ट ऑफ अ चांस। 127 रन बनाए अपने 20 ओवर में। ओनर सोहेल खान काफी खुश, बॉबी देओल भी, एंड आदर्श ऑफ कोर्स विल बी डिसअपॉइंटेड, काफी रन दिए उन्होंने आखिरी ओवर में अपने। आखिरी ओवर में 25 रन आदर्श श्रीवास्तव की गेंद पर के ओवर में, आखिरी पांच ओवर में 58 रन बनाए मुंबई हीरोज ने, खासतौर से अपूर्वा लाखिया की वजह से। बड़ा मस्त इंद्रनील, वेरी वेरी गुड स्टैंड, सिर्फ कबीर बाकी था। तो 127 आठ विकेट पर आठ एक्स्ट्रास के साथ अपने 20 ओवर बनाए मुंबई हीरोज ने। और जब तेलुगु वॉरियर्स कुछ मिनट में वापस आएंगे तो उन्हें 128 बनाने पड़ेंगे जीत के लिए, जो कि इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है यहाँ दुबई की पिच पर, लेकिन देखना होगा कि तेलुगु वॉरियर्स पर कितना दबाव है। नंद किशोर 3 for 19, रघु 3 for 16, और सचिन जोशी ने अपने दो ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेट भी लिए।